कल रांची से दो लड़का चार लड़का आए थे। अच्छा, एक केजी चिकन ले गए। बोले भैया सर तो हम लोग को रांची में मिलता ही नहीं कहीं पे। बोले रोस्टेड मिलता है, सब सामान तो नहीं मिलता मेरे पास। नहीं रांची में सही में मिलता है, लेकिन इस तरह से जो है ना आपका तरीका वो बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे तो चिकन वगैरह दिख ही रहा है, सारा कच्चा कच्चा रखा हुआ है रॉ आइटम। और वो आइटम हमको दिखाइए जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आइटम तो भाई साहब यहाँ पे जो है अब अपना चिकन का आइटम लगने लगा है। और ये देख लो, चिकन कटकर उसमें डल चुका है, उसके बाद पोटा चला गया, पोटा के बाद कलेजी डल चुका है। तो मतलब सब तौल के बेचते हैं? सब तौल के बेचते हैं। क्या रेट है इसका वैसे? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइस आज हम आपको लेकर आ चुके हैं टाटा नगरी में एक्सप्लोर कराने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट से काट को, और उस काट को चलाते हैं बहुत ही प्यारे अंकल जी, और वहाँ पे वो बनाकर खिलाते हैं नॉनवेज का बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा आइटम। और वहाँ का एक आइटम है चिकन का जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, उसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो आज जो है वहाँ पे जाके कुछ वहाँ बढ़िया सा चखने वाले हैं, उसका जायका हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस जगह के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हो इसे बोला जाता है काली माटी रोड, और इस जगह का नाम है गोल मुड़ी। और सामने दूर आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, उसे बोला जाता है हावड़ा ब्रिज। तो ये जगह काफी ज्यादा फेमस है, और यहाँ पे जो है आपको पहुंचने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और जो जगह हम आपको दिखाने वाले हैं वो है ये काट झारखंड मीट शॉप। और देख सकते हो प्यारे अंकल जी जो है कस्टमर के साथ डील करने में लगे हुए। और यहाँ का जो लैंडमार्क आप देख लो, तो यहाँ पे एक आपको मिलने वाला है सीए टाइल का डिस्ट्रीब्यूटर, उसके ठीक यहाँ पे जो है कार्ट लगता है। और भाई साहब कार्ट पे देख लो, मतलब बहुत ज्यादा आइटम तो नहीं, लेकिन हाँ जो भी यहाँ पे वो आपको और हमारा फेवरेट होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ चेक कर लो, एकदम फ्रेश चमकता हुआ आपको दिखने वाला है कलेजी पोटा। उसके बाद यहाँ पे देखो भाई साहब चिकन का पूरा पीस रखा हुआ, मतलब गोटा चिकन चार टुकड़ों में बटा हुआ है। और यहाँ पे देखो मछली बहुत अच्छा से फ्राई करके लगा हुआ है। ये जो दिख रहा है ना, ये मेरे ख्याल से हाफ डन है, अभी कस्टमर को पूरा करारा फ्राई करके देना बाकी है। और ये है उनका सेटअप, मतलब यही पे जो है सब कुछ फ्राई करके बेचा जाता है। और अब जो है थोड़ा बहुत अंकल जी के बारे में जान लेते हैं और उनके कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले तो नमस्ते सर, आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर यादव है। और अपने इस कार्ड के बारे में बताइए, कितना टाइम हो गया, कितना पुराना है? मेरे 20 साल हो गया। फिर 20 साल हो गया इस ठेले को? 20 साल हो गया। और यहीं पे लगा रहे 20 साल से? 2003 से 2024 आ गया, यहीं पे। यहीं पे है? तो क्या टाइमिंग होता है वैसे? टाइम 6 से 11। 6 बजे से लगाते हैं? 6 सुबह ना शाम? शाम शाम 6 से 11। वाह, मतलब एकदम जो है लेट नाइट सर्विस देते हैं। नहीं, और कैसे जो है आपके माइंड में सब क्लिक किया है कि यहाँ पे जो है भाई साहब ये सब चीज जो है ठेला पे बना के खिलाया जाए, मतलब जो भी आपके पास आइटम है ना? अच्छा बनता तो लोग अच्छे ही नाम लेता है। अच्छा, अब बनाना कहाँ से सीखे सब? पीछे पे काम कर रहे थे, उसके बाद खरीदी थोड़ा सीख लिए। अच्छा, मतलब कहीं करते करते फिर अपना खोल लिया? कितना एज में काम शुरू कर दिए थे आप? 20 साल लगभग होगा। 20 साल के एज में? वाह। और यहाँ पे तो चिकन वगैरह दिख ही रहा है, सारा कच्चा कच्चा रखा हुआ है रॉ आइटम। और वो आइटम हमको दिखाइए जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आइटम अच्छा, यही है वो खजाना? खजाना भाई साहब ये देख लो, यही है अंकल का वो आइटम जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसके लिए नहीं, वाह। तो क्या है ये, क्या नाम है? चिकन मसाला है। चिकन मसाला? भाई साहब मसाला नाम है, मसाला इसमें भरा भरा भी, और लगता है अभी गर्मा गर्म बना के लाया है। गर्मा गर्म बना के लाता है। अच्छा, ये घर पे बनता है? पूरा घर पे बनता है। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब इसका भी हम जो है जायका लेने वाले हैं। इसके बाद ये बताइए इन सब का क्या बनाते हैं? चिकन का चिकन पकौड़ा है, चिकन मसाला है, कलेजी पोट पकौड़ा है। अच्छा, और इसका पकौड़ा बनता है? फिश फ्राई है। अच्छा, चॉप बनता है, बॉयल अंडा है। अच्छा, अंडा का चॉप भी बनाते हैं? चॉप बनाते हैं। और सारा कुछ बनाते हैं किसमें? बैटर? बैटर सब इसमें बनाते हैं ना। अच्छा, और हटाइए तो ढक्कन। और ये देख लो भाई साहब, मतलब इनका जो घोल भी है ना नॉर्मल नहीं दिखने वाला, स्पेशल टाइप का। भाई क्या क्या रहता है अंकल इसमें? मसाला रहता है, बहुत सारा मसाला रहता है। बेसन का है? नहीं, बेसन का घोल। अच्छा, एकदम गाढ़ा गाढ़ा घोल है। और ये मछली देख लो, ये तो पूरा फ्राई नहीं किया ना? नहीं, पूरा फ्राई नहीं किया, आधा फ्राई है। आधा फ्राई है। कस्टमर आएगा तो एकदम गर्मा गर्म क्रंची बना के देंगे। क्रंची बना के देंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पे जो है ना ये सब चीजें तो हमने जान ली, और रेट वगैरह भी जानेंगे। मेरे को अंकल जो यहाँ पे ना एक तो मछली हमारे को दे दीजिए, ठीक है, और पोटा कर लीजिए, थोड़ा सा फ्राई करवा दीजिए, और थोड़ा सा जो है आप मेरे को ये चिकन का चिकन बना देंगे मसाला, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे जो है अब अपना चिकन का आइटम लगने लगा है। और ये देख लो, चिकन कटकर उसमें डल चुका है, उसके बाद पोटा चला गया, पोटा के बाद कलेजी डल चुका है। तो मतलब सब तौल के बेचते हैं? सब तौल के बेचते हैं। क्या रेट है इसका वैसे? 250 ग्राम 110 रुपये का। 250 ग्राम 110 रुपये का? वाह। और मछली कैसे देते हैं? मछली 20 रुपये पीस है। मतलब इतना बड़ा और मोटा पीस 20 रुपये? 20 रुपये का। वाह जी वाह। और ये कैसे?
100 रुपए पाव है। रेट भाई साहब जेन्युइन बोल सकते हो क्योंकि जिस हिसाब से बनता है और मटेरियल है एक नंबर। और चिकन जो है कटने के बाद अब देख लो यहाँ पे प्रोसेस क्या क्या डल रहे हैं, एक बार बताइए अंकल थोड़ा। इसमें काली नमक और जीरा गोल की धनिया, अच्छा, और थोड़ी सी खड़कपुर मसाला, खड़कपुरिया मसाला भी डालते हैं, यही तो मेरा फेवरेट मसाला है। वाह, चलो बहुत ज्यादा मसाला कुछ नहीं डालता है, चाट मसाला, बाकी चाट मसाला भी रहता है। और अब जो है ये सारा आइटम भाई साहब गर्मा गर्म सरसों के तेल में, सरसों तेल है ना, क्योंकि भाई यहाँ जब खड़े हुए हैं ना तो छांस बड़ा तगड़ा आ रहा है। और देख लो सरसों तेल भी बढ़िया ब्रांड का सलोनी है जो झारखंड में सबसे ज्यादा डिमांड रहता है। कितना देर में रेडी हो जाता है वैसे पकौड़ा? 5 मिनट। 5 मिनट में पक जाता है, बहुत बढ़िया। और ये जो आप बाद में डाले ये क्या था? कलेजी। तो कलेजी को पीछे डालते हैं, थोड़ा पकाने के बाद। अच्छा, आधा पकने के बाद उसको कलेजी, क्योंकि ये तो चिकन से जल्दी पकता होगा, जल्दी पकता है। मतलब पूरा आपको जो है अंदाजा है क्या कैसे पकाना है। तो जब ठेला लगाए थे आज से 20 साल पहले तो क्या रेट में बेचते थे उस टाइम? 60 रुपए पाव था। 60 रुपए पाव, मतलब अगर एक देखा जाए कि टाइम के हिसाब से तो उतना भी ज्यादा रेट नहीं बढ़ा, नहीं भागा। 20 सालों क्या भागा, 40 भागा, 50 भागा, कुछ ज्यादा नहीं, मतलब ना के बराबर बोल सकते हैं इसको। यही खाना तो रेस्टोरेंट में अभी 200 ले लेगा। बात सही है, देखिए यही आप एकदम सही बोल दिए। तो गई यहाँ पे जो है 5 मिनट लगे है और 5 मिनट के अंदर भाई साहब अपना चिकन काफी अच्छे से फ्राई हो चुका है और कलर काफी तगड़ा आ रहा है, रेडी हो गया है ना। अभी इसको क्या करना है, कुछ डलेगा इसमें अंकल? और अब भाई साहब वही गया इनका काला नमक, चाट मसाला, और उसके बाद जाने वाला है कटा हुआ प्याज, ये देख लो। और डलने के बाद बढ़िया से एकदम मिलाया जा रहा है और अब जाएगा ये पत्ते पे। तो ये आइटम हो गया हमारा रेडी है ना, रेडी हो गया। ये थोड़े बाकी रह गया चटनी। चटनी क्या चीज का है ये? धनिया का। अच्छा, धनिया, टमाटर भी रहता है क्या इसमें? टमाटर नहीं, सिर्फ धनिया है। वाह, तो भाई सारा कुछ जो है फ्राई होने के बाद आ चुका है हमारे टेबल पर। हमारा टेबल तो आप लोग जानते हो भाई साहब, हमारा ब्लैक पैंथर। और यहाँ पे देख लो चिकन भाई साहब क्या बढ़िया सा फ्रेश एकदम फ्राइड किया हुआ है। और यहाँ पे उनका लटपट वाला चिकन का मसाला, और ये है मछली। और यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस करा है, कलर का यूज नहीं है यहाँ पे। आप लोगों का कॉमेंट आता था कि भैया कलर बहुत ज्यादा है, कलर बहुत ज्यादा है, ये देख लो यहाँ पे, मतलब जीरो कलर। मतलब इसको जो है ना आप एक हेल्दी स्नैक्स बोल सकते हो। दिखने में तो अच्छा है, चिकन वगैरह उठाते हैं, फील छूने में भी बहुत करारा है, बहुत करारा है, ये देख लो। मतलब और पका बड़े अच्छे तरीके से भाई साहब, बहुत अच्छा। और ऊपर जो लेयर है ना इतना पतला है, मतलब समझ लो भाई वो एकदम पापड़ है, छू रहे टूट जा रहा है, मस्त दिख रहा है। और चटनी पहले गौर करो आप, मतलब एकदम जमा दही जैसा, कोई पानी नहीं है इसमें। और चिकन देखो, ये देख लो यहाँ पे, देख रहे हो गर्मा गर्म गाढ़ा गाढ़ा। और मछली साइज बहुत तगड़ा है। तो इन सब का जो है हमने आपको दीदार तो करा दिया, अब जो है ना टेस्टिंग करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके चिकन मसाला से। ये रहा वो पीस, मतलब चिकन मसाला जो नाम है स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। देखो पोल्ट्री चिकन का तो स्वाद जो है वही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। पोल्ट्री चिकन में कमाल रहता है मसालों का, और इनका ये मसाला इतना चटपटा है, इतना टेस्टी है कि भाई साहब मन कर रहा है लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद उठाया जाए। काफ़ी बढ़िया सा फ्लेवर हर कुछ का है, मसालों का टेस्ट बढ़िया है, गर्म मसाला वगैरह सही से डला हुआ है, बाकी इसमें आधी लहसुन का भी यूज बहुत बढ़िया सा है। चिकन पकाया हो भी प्रॉपर तरीके से, मतलब एकदम सही से गला हुआ है। और हमको लगता है कि ये एकदम धीमे आंच पे पका हुआ है, मसालों का टेस्ट ना चिकन के एकदम भीतर तक है, जूसी भी बहुत है। और अब जो है ना ये मसाले को चिकन पे लगा के, हमारे से एक गलती हो गई यहाँ पे, हमने सिर्फ दो ही पीस लिया,
क्योंकि लगा हम खा नहीं पाएंगे, लेकिन टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, ग्रेवी इतना गाढ़ा है जिसमें ना प्याज का मात्रा बहुत सही से और उसके मिठास को बैलेंस करने के लिए तीखा वगैरह भी काफ़ी बढ़िया सा यूज, और गोल मिर्च का यूज बहुत सही था, और प्याज पीस कर डाला हुआ, मतलब चिकन मसाला मस्ट ट्राई आइटम है। अब यहाँ पे पोटा कलेजी की बारी है, तो ये रहा पोटा कलेजी। तो सबसे पहले ना बिना चटनी के ट्राई करते हैं, तब समझ में आएगा कि इनके मैरिनेशन में है क्या क्या। मतलब देखो इस तरह का ठेले पे हमने बहुत ज़्यादा खाया, लेकिन इनका टेस्ट ना बाकी से बिल्कुल अलग है, और खाने के बाद आपको ये लगना है ना कि आप कुछ बढ़िया खा रहे हो। इनका जो मैरिनेशन है प्योर बेसन का है, और उसमें अजवाइन भी डाला हुआ है, जिसमें अजवाइन का दाना कभी कभी मुंह में आता है तो भाई उसका टेस्ट पूरा फ्लेवर मुंह में फैल जा रहा है, बहुत सही तरीका है। ऊपर से एकदम पापड़ जैसा लेयर, अंदर का चिकन जूसी टेस्टी, और सबसे ज़्यादा जो चिकन फ्रेश है इनका, बहुत बहुत सही है, क्रंची बहुत ज़्यादा है, और अजवाइन अच्छा खासा डाला हुआ है। ये पोटा ऊपर से जो नींबू डाला, जो चाट मसाला डाला है, काला नमक है, टेस्ट इसका काफ़ी बढ़ा है उससे, मतलब जमशेदपुर में भी कुछ ऐसा छुपा हुआ था मेरे को आज पता चला, और लकली कैसे तो नज़र भी पड़ा इनके ऊपर। और अब चटनी के साथ ट्राई करते हैं, ये रहा मतलब चटनी तो लिटरली ऐसा है ना कि अभी देखो जेली बन चुका है, इतना गाढ़ा है। शुद्ध बोल सकते हो भाई, कोई जो है लंदर फंदर चीज इसमें नहीं डाला हुआ, कोई लंदर फंदर चटनी में भी टमाटर तक नहीं है, सिर्फ धनिया पत्ता है, लहसुन है, हरा मिर्चा का यूज है, और इनके जो मैरिनेशन है ना जिसमें चिकन लपेटा गया, इसमें मछली लपेटा गया, अंकल ने बताया तो नहीं, लेकिन हाँ इसमें लहसुन का बड़ा तगड़ा सा फ्लेवर है, आदि भी डाला हुआ है सही तरीके से। और एक चीज पता है क्या, जो मैरिनेशन है उसमें ना हरा हरा दिख रहा था मेरे को स्टार्टिंग में, तो मेरे को लग रहा था क्या पता है कि वो कोई साग है जो काट कर डाला हुआ, अब जब खा रहे ना तो समझ में, नहीं वो साग नहीं है भाई, वो है हरा मिर्चा एकदम बारीक करके काटा हुआ और उसमें फेटा हुआ है, तीखा बहुत सही है हर चीज़ का इनका। रेट के हिसाब से बहुत सही जगह है, मछली भी खा लेते हैं, अब 20 रुपये में पीस देख लेते, बार बार दिखाएंगे हम आपको, क्योंकि ना 30 रुपये से कम कहीं इस तरह से इतना मोटा मछली नहीं मिलेगा आपको, थिकनेस देख रहे हो। मछली छनते देखा है, लेकिन ये फ्राइड मछली बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग है, और सरसों के तेल में बना है, शुद्धता टेस्ट दोनों बहुत बढ़िया है। एक और लेते हैं यहाँ से पकौड़े का पीस, तो यहाँ पे जो है ना बारी बारी हमने सब कुछ ट्राई करा है, मछली चिकन मसाला पकौड़ा छोटा कलेजी, हर कुछ का टेस्ट मेरे को बहुत लाजवाब लगा, और ये जो बच रहा आइटम इन सबको भी हम करने वाले हैं ख़त्म, वीडियो को करने वाले यहीं पे एंड। और आज से बार एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर आप जमशेदपुर में रह रहे हैं और इस जगह के बारे में नहीं पता है तो वीडियो में आपको सारा डिटेल है, माफ़ी चाहता हूँ बार बार मेरे को ढका रहा है क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी पहले से फुल है, तो वीडियो में जो है सारा डिटेल आपको मिलने वाला है, यहाँ पे एक बार आके जरूर जरूर ट्राई करना यार, मज़ा आएगा आपको। तो मिलते हैं कल कुछ कई और कुछ इसी तरह का नया सा देखिए, तब तक लेते करें, बाय।